जी आज हम आपको मिलवाते हैं मलाला यूसुफजई के इलाके से ताल्लुक रखने वाली उन नौजवान खवातीन से जो मलाला यूसुफजई की तरह ही एक्टिविज्म कर रही हैं, काम कर रही हैं, कैमरे को उठाकर अपने इलाके के मसाइल को उजागर करने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। आइए आपको उनसे मिलवाते हैं। गर्ल विद द कैमरा के नाम से लग रहा है कि ये लड़कियों को वीडियो स्टोरी टेलिंग पे और फिल्म मेकिंग पे एम्पावर करना, तो समाज का एरिया मैंने क्यों चूज़ किया क्योंकि जो हमारे पश्तून एरिया से वहाँ पे फिल्म मेकिंग इंस्टीट्यूट तो बहुत दूर की बात है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का भी बहुत बुरा हाल है, तो ऐसे स्किल बेस्ड जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो बिल्कुल ही नहीं है। अक्सर लोग आते हैं और उनकी स्टोरीज़ को मिस रिप्रेजेंट करते हैं या गलत तरीके से बताते हैं, तो ये ताकि आज के नए दौर के हवाले से ये लड़कियां जो है वो डिजिटल स्किल्स पे और फिल्म मेकिंग पे ट्रेन हो सके ताकि वो आगे भी अपने इलाकों के इश्यूज पे काम कर सके। खैबर पख्तूनख्वा में तो ये बहुत चैलेंजिंग बन जाता है, खवातीन को घरों से लाना, उनको स्किल देना, कल्चरल बैरियर्स होते हैं, हमारे कुछ टैबूज हैं, और फिर अगर वो कैमरा उठाती हैं तो वो बहुत ज़्यादा लाइक एक अजीब मेंटेलिटी लोगों की बन जाती है कि पता नहीं क्या करने जा रही है। बहुत सारी चैलेंजेस फेस करनी पड़ी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो कोई ऐसा सब्जेक्ट राजी ही नहीं हो रहा था कि वो हमें इंटरव्यू दे, तो मेरा जो खुद का सब्जेक्ट था उसको मैंने बहुत ज्यादा मिनटें की कि आप सिर्फ एक इंटरव्यू दे दो, आप मास्क में दे दो, मुंह छुपा के दे दो, लेकिन आप एक इंटरव्यू दे दो, खवातीन आगे नहीं आ पाती क्योंकि उनके साथ इतनी फैमिली रिस्ट्रिक्शंस थी। अभी जो यंग गर्ल्स है और वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करे, अपने सोसाइटी में लोगों को कन्विंस करे और उनको दिखाए कि हम कुछ कर सकते हैं, और चैलेंजेस मस्ट होंगी, चैलेंजेस आएंगी, पर आपने चैलेंजेस को नहीं देखना, आपने उनको ओवरकम करने के बारे में सोचना है और सोल्यूशन ओरिएंटेड उस पर जाना है।